नमस्कार दोस्तों, वेलनेस का एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, और कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बनेगा। और बैंक निफ्टी ने आज नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और निफ्टी भी कह सकते हैं अपने नए ब्लू स्काई जोन में ट्रेड कर रहा है, नए लाइफ टाइम हाई पे हाई बनाया जा रहा है। तो क्या बैंक निफ्टी भी अब निफ्टी को फॉलो करने की कोशिश करेगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं कि नई सीरीज जो कल से स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है। 2 दिन पहले मैंने ट्यूसडे को जो वीडियो बनाया था उसमें आपको क्लियरली इंडिकेट किया था कि मार्केट का जो कंसोलिडेशन है वो ऑलमोस्ट पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। और अगर मोमेंट बना वेनसडे के दिन से तो आपको एक स्ट्रांग मोमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी ने कल के दिन में काफ़ी अच्छा मोमेंट दिखाया था और आज बैंक निफ्टी ने दिखाया। कल के ट्रेडिंग सेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये लेवल जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 36,750 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर आपको एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे आज होता हुआ दिखाई दिया। आज बैंक निफ्टी ने लीड किया, ऑलमोस्ट 2% से ऊपर का यहाँ पे क्लोजिंग आई है और लाइफ टाइम हिट किया है यहाँ पे, जो कि पिछले कुछ दिन से हम बात कर रहे थे। अब कल क्या होगा इसको समझते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब जाहिर सी बात है मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो मोमेंटम है वो स्टिल स्ट्रांग है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इमीडिएटली यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शो करे मार्केट, अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अगर फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप डाउन खुलता है तो फिर आपको यहाँ पर रिकवरी ही देखने को मिलेगी। अगर गैप अप के केस में ही यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन देखें नई सीरीज़ में, तो यहाँ पे देख सकते हो 17,500 की जो पुट है वहाँ पे आपको 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि सबसे हाईएस्ट है 17,000 के बाद का। तो ये एक इंडिकेशन है कि पुट राइटर अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अगर ऊपर भी नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन भी करता है तो 17,500 के ऊपर ही करेगा, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। कॉल साइड पे आपको 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऊपर बढ़ते हैं तो कॉल साइड पे आपको दिखेगा कि 18,000 का लेवल ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लियरली ओपन हुआ है, 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यानी कॉल राइटर 18,000 पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी लेकिन 18,000 को पार नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पे कॉल राइटिंग में 18,000 के लेवल पे एग्रेसिव कॉल राइट कर रहे हैं। 17,800 पे भी करीब 12 लाख, ऑलमोस्ट 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। बुट साइड पे देखा जाए तो 17,600 की जो पुट है वहाँ पे 14.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 17,600 अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर 17,600 के नीचे जाते हैं तो देयर विल बी द सम स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। फिर नीचे जो लेवल होगा वो हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो देखो, निफ्टी का चार्ट एक स्ट्रांग मूवमेंट कल आपको देखने को मिला और वो मूवमेंट आज भी कंटिन्यू यहाँ पे हुआ है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे लिए अब जो एक लेवल है वो है 17,565। इस लेवल तक स्लाइटली निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हो सकता है थोड़ी सी और भी नीचे आ जाए, बट इस लेवल तक आ सकती है अगर ये 17,600 के नीचे निकलता है। अब यहाँ पे देखो चार्ट में ये फ्रेश चार्ट बनता जा रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट कितनी स्पीड से ये ऊपर जा रहा है। तो इसका बेनिफिट जिन लोगों को मिल रहा है, डेफिनेटली अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, सबके पोर्टफोलियो ग्रीन में है और जिनकी म्यूचुअल फंड्स में SIP चल रही है वो SIP अपनी मेंटेन रखे हैं, अभी कोई भी रिडेम्पशन का ना सोचें। मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट एक अभी भी स्टिल बुलिश मोड में ही है कंटिन्यूसली, क्योंकि हर लेवल को होल्ड कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो जब तक यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव इंडिकेशन नहीं आता तब तक हम इसको पॉजिटिव ही समझते हैं। तो कल के लिए यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट होगा लेवल, अगर एक सीधा सीधा गैप अप खुलता है अराउंड 17,700 के आसपास तक खुल जाता है तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पे कल कंसोलिडेट कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आपको अगर यहाँ पे सीधा सीधा 38,000 के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ये सीधा 37,900 के आसपास खुलता है, 38,000 के आसपास खुलता है तो फिर आपको वहाँ पे ख़रीदना नहीं चाहिए, आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि गैप अप में नॉर्मली क्या है, मार्केट अगर एक दिन पहले चलता है तो अगले दिन गैप अप होता है और गैप अप के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि 2 दिन में ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट चल गया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना
क्लियरली, और अगर मल्टीपल यहाँ पे हाई बनाता हुआ दिखाई देता है कल, तो फिर एक स्ट्रांग मोमेंटम दोबारा से बन सकता है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो डाओ फ्यूचर 52 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे कल एक बाउंस बैक दिखा रहा था, तो अभी 75 पॉइंट नीचे हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पे कि कैसा रहता है आज का यूएस का मार्केट सेशन। कल मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि एक कंसोलिडेशन वाला यहाँ पे सेशन रह सकता है हमारे मार्केट में। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय।